हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, दिस इज पिया। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग ओपिनियन विद पिया में। तो मैं इतनी तैयार दिख रही हूँ, लेकिन सच बताऊँ मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं बहुत उदास हूँ आज, क्योंकि आज हमारे बप्पा का विसर्जन है। हम लोग विसर्जन कराने जा रहे हैं, तो कैसे जा रहे हैं, क्या क्या करेंगे, मैं वो सब आपके संग शेयर करूंगी। इतने दिन से उनको बिठाया, उनकी सेवा करी, तो अब तो मुझे बहुत बुरा ही लग रहा है वो जाने वाले हैं। तो और मैं मोदक के लिए कल कुछ लाई थी, ऐसे सब सामान लाई थी कि मोदक बनाएंगे हम लोग, लेकिन वैसा कुछ हो गया कि मैं मोदक नहीं बना पा रही हूँ। तो अब हम जा रहे हैं पप्पा के विसर्जन करने के लिए। पंडित जी को कॉल कर दिया है, हम लोग नहा लिए, तैयार हो गए हैं, और चलो बस हम फटाफट से थोड़ी सी चूड़ियाँ चेंज कर रहे हैं। थोड़ी सी चूड़ियाँ मतलब ग्रीन कलर की पहन ले रही हूँ मैं, और इसके बाद जब एक्चुअली देखो ये पानी वाले कंगन है, तो ये पहनूंगी ऐसी आधी आधी पहन ले रही हूँ। मैंने तो काउंटिंग भी नहीं करी, अंदाजे से पहन रही हूँ। थोड़ी चूड़ियाँ चेंज करके फिर फटाफट से हम जाते हैं बप्पा का विसर्जन करने, और मैं संग में ना ये वाले कंगन भी डाल ले रही हूँ। ऐसे ही ओवर तो नहीं लग रहा है, कभी कभी ओवर अच्छा लगता है ना। ये वाले कंगन मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे, ये वाले भी बहुत चल भी बहुत ज़्यादा रहे ये तो। ओ मैं इतना मुझे आज कुछ समझ ही नहीं पड़ रही, मुझे बहुत ही बस। दीदी गेट लगा दिया अभी, वो नहीं चलता। तो अभी ना पापा की पूजा हो गई है, और ना हम लोग पापा को बिठा सकते हैं, तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रख रहे हैं। सप्ते विनायक करते तो कुछ रखा जाता है ना भगवान जी को, तो कुछ ड्राई फ्रूट्स रख रहे हैं, पैसे रखेंगे, पान और सुपारी दुबा रखा जाता है, वो सब रख रहे हैं अभी हम लोग। घर रखते हैं, मिठाई रखते हैं, और फल रखते हैं, दुबा सुपारी, तो भगवान जी की सब चीज़ फेवरेट रख के और भगवान जी के हाथ में देंगे। इसके बाद हम भगवान जी को लेके चलते हैं। तो आज बप्पा की विदाई का दिन है, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अभी ना मैं बप्पा का मुंह आप देख रहे हो बाहर की तरफ है, और मैं बप्पा को सारे रूम दिखा रही हूँ। क्या होता है, बप्पा जब हमारे यहाँ स्थापित किए जाते हैं तो एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, और उन्हें हिलाया भी नहीं जाता है, लेकिन आज बप्पा जा रहे हैं। तो जाने से पहले उन्हें अपना पूरा घर दिखा रही थी, अब बप्पा का मुंह मैंने वापस से बाहर की तरफ कर लिया है। ये सब बातें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी आप लोगों का विसर्जन नहीं हुआ होगा। मुझे इतना ज्यादा बुरा इसलिए लग रहा है, इतना ज्यादा रोना इसलिए भी आ रहा है, क्योंकि मैं बप्पा को तो पूरे जितने दिन बिठाए जाते हैं उतने दिन के हिसाब से ही अपने घर पे लेके आई थी, लेकिन हमारे घर पे कुछ ऐसा हुआ कि इमरजेंसी में कॉल आई और आज ही मतलब 11 के दिन ही विसर्जन करने का कहा गया। ऐसे मैं पापा को इस तरह से विदाई नहीं देना चाहती थी, एकदम अच्छे से मैंने सोच के रखा था कि ढोल बजवाएंगे, गुलाल से खेलेंगे, बहुत कुछ सोचा था, लेकिन मुझे इस तरह से पापा को विदा करना पड़ा। तो मुझे इन बातों को सोचकर बहुत बुरा लग रहा था कि बताओ मेरे पापा बेचारे इस तरीके से जा रहे हैं। आज हम लोग भजन करने वाले थे घर में, लेकिन अभी ना हम लोग गणेश जी का विसर्जन करके आ गए हैं, और अब थोड़ी देर डैम पे रुकेंगे। हालांकि थोड़ा सा नहीं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है एक्चुअली, लेकिन अब डैम पे आए हैं तो डैम पे रुकेंगे, ऐसे ही थोड़ी देर रुकेंगे। पानी बहुत भर गया डैम पे, तो एक दो वीडियो वगैरह बनाएंगे और ऐसे ही थोड़ी देर यहाँ पे रहेंगे, फिर घर जाएंगे। आज 11 अभी हम ना हम लोग बाबा का विसर्जन करके आ गए थे, और मेरा मूड बहुत खराब था, तो मेरा मूड थोड़ा सा ऐसा लाइट करने के लिए, अच्छा करने के लिए, मेरे हस्बैंड ने गाड़ी थोड़ी देर के लिए डैम पे रोक दी थी कि तुम एक दो रील्स बना लो। हाँ मैंने रील्स बनाई भी थी, लेकिन फिर भी मन अच्छा नहीं था क्योंकि घर का वो सब याद आ रहा था। आते टाइम हम लोग प्लाट पे आ गए थे, ये हमारा प्लाट है, और मैं आपको दिखा रही थी यही सब। यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क की जाती है, और काफी सारे मम्मी ने ऐसे पेड़ लगा रखे हैं, मैं आपको वही दिखा रही थी। मस्त पपीते आए हुए हैं, जरा गाड़ी में से एप्पल और वो ले ले। इन लोगों के ना पेड़ लगाए थे इनने, तो देखो सारा का लगा हुआ है, ये विद्या माता का पेड़, और क्या कहाँ है सारा, एक बोरा विद्या माता का, और वीर का कहाँ है झलक, चीकू वाला बाबू, चीकू कौन सा पेड़ है, इंस्पेक्शन पे। तो फिर साफ सफाई थोड़ी कर दी, तो ये साफ सफाई जी जी बताइए।
आगे आगे ना सुना लग रहा है, मतलब वो सब कुछ ही पापा के बिना, यहाँ पापा बैठा करते थे, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो वापस आके थोड़ी देर में लेट गई थी और अब बच्चों के लिए खाना फटाफट बना के दिया। वैसे मम्मी और मेरा 11 का व्रत रहता है, लेकिन आज हम लोग को व्रत भी नहीं रखना था, तो हम लोगों ने भी अपना खाना खा लिया था। अभी क्लिप जो है शाम की है, आ गए थे और पूरे दिन से बस लेटी हुई थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, थोड़ा सा मन बहल जाएगा, अच्छा लगेगा। हाय एवरीवन, दिस इज प्रिया। तो आज हम आए हुए हैं अपने GDN की क्लास में। रोज स्टोरी डालती हूँ, रोज आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आना है आना है। आज इस स्टोरी पे यहाँ पे डिब्बा लगा दूंगी कि आप में से कौन कौन यहाँ पे आ रहा है, वो सब यहाँ पे हाजिरी लगाएंगे। फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ, गर्ल्स का डांस अभी हो चुका है और मैं थोड़ा सा लेट हो गई आने में, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो लेडीजों का डांस है, जो हम जैसों का डांस है, वो डांस मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी ना मन बहुत ख़राब था हम लोगों का, दिन में खाना खिला के सब लोगों को, हम लोग थोड़ी देर के सो गए थे और अभी शाम का टाइम हो रहा था, तो मुझे लगा कि थोड़ी देर डांडिया क्लास चलते हैं, मन अच्छा हो जाएगा। मैं इतने दिन से डांडिया क्लास भी नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे घर में पप्पा था ना, मुझे उनको छोड़ के जाने का कहीं भी मन नहीं करता था। तो अभी मैं बस गई, मैंने किया नहीं था, बस लोगों को सबको वीडियो बनाया, फिर वापस आ गई थी। और गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल डलवाया, सब्जी लेनी थी, सब्जी ली। एक्चुअली मैंने सबको शूट नहीं करा, मन अच्छा नहीं था, मैंने शूट भी नहीं करा। ये तो मुझे बाद में लगा कि चलो ब्लॉग डालना है, तो मिनी ब्लॉग के लिए, क्योंकि झलक शूट करती रहती कुछ ना कुछ, तो मैंने वो सारी क्लिप्स यहाँ पे ऐड कर दी हैं। और क्योंकि डोल 11 का दिन है, तो हमारे यहाँ से बीमार निकाले जा रहे थे, तो थोड़ी सी क्लिप मैंने उसकी भी लगा दी थी यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने डोल 11 के क्लिप्स लगाई हैं आपके लिए, और ना मैंने इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा भी बढ़ा रखी है, और फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, मतलब इतनी बड़ी स्पीड पे भी आप देखो, मतलब आर से लेके पार तक, इतनी दूर तक, इतने सारे भगवान जी मतलब ले जाए जा रहे हैं। और हमारे यहाँ पे ना कटरा बाजार के जो गणपति बप्पा हैं वो बहुत फेमस है। ये इतना अच्छा नज़ारा हमारे ललितपुर में, मतलब ऐसा छोटे शहरों की ना सच बताऊँ बात ही अलग होती है, यहाँ का अपनापन, यहाँ की हर चीज़ अलग होती है। यहाँ पे हर छोटे छोटे त्यौहार भी इतने प्यार से सब सेलिब्रेट करते हैं। आप देख रहे हो, मतलब कम से कम 1.5-2 मिनट हो गए, इतनी तेज स्पीड पे भी कितने विमान निकलते ही जा रहे हैं, निकलते ही। इन सब के अंदर भगवान जी बैठे हुए हैं। मैंने इंस्टा पे इसका मिनी ब्लॉग डाला था जिसमें मैंने भगवान जी जो बैठे थे वो दिखाए भी थे। और अब मैं ये आपको वो जो कटरा बाजार की बता रही थी वहीं की आरती दिखा रही हूँ। और ये इतनी ज़्यादा फेमस है और ये मूर्ति बहुत फेमस है, कटरा बाजार के राजा कहा जाता है इन वाले गणपति बप्पा को। और यहाँ पे भजन संध्या चल रही थी शायद, फिलहाल तो मैं बहुत लेट हो रही थी और मुझे अपने टेलर के पास भी जाना था, तो ये सब कुछ आपके लिए रिकॉर्ड करके लाई थी, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ऐसा ललितपुर का दिखाया नहीं आपको, तो सोचा दिखा दिया जाए इस बार। अब मैं अपने टेलर के पास आ गई थी अपने ब्लाउज देने के लिए। अब हमारे सारे काम हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं खरीदने के लिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपकी मर्जी, सब कुछ आप पे छोड़ दिया, मैं आपको जो सही लगे आप वो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।